22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए पूरे देश भर में तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। अब कुछ विपक्षी दलों की तरफ से ये न्योता अस्वीकार कर दिया गया है। उनका साफ कहना है कि वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। It's a right decision. Every congressman has welcomed it because it is nothing to do with the religion. It is not a religious program. It is a political program. भगवान सद्बुद्धि भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जिसके जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने हमारे कैमरे पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई भी विपक्षी विरोधी को। अगर आपके मन में प्रभु राम नहीं है, आपने उनको पहले ही नकारा है, गोलियां चलाई हैं, कार सेवकों को मारा है, साधु संतों के सर फाड़े गए, अनगिनत मृत्यु हुई है, और राम लोग तो मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना है कि लोगों ने तो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था कि वो थे ही नहीं, तो आप लोग कृपया मत आइएगा, क्योंकि झूठे मनाना या कोई प्रेशर में आना नहीं आना चाहिए। जब आप राम को जो नहीं मानता उसको नहीं जाना चाहिए, बट नेचुरल है। अगर आपकी आस्था, आप एथिस्ट हैं, आप बोल दीजिए हम नहीं, हम मूर्ति पूजक नहीं है। ऐसा भी लोग कहते हैं, हम लोग मूर्ति नहीं मान, हम लोग वी आर सो कॉल्ड वी आर एथिस्ट, यू नो वी आर तो कृपया भैया राय दा हमारे राम के, अपना ना ही मानला ना ही मनबा, जबरदस्ती आए के बाद दुनिया के दिखाए के बाद हिंदू वोट चाहिए, तो ये जबरदस्ती कहाँ है, कुंठित होके मत आओ कि अंदर पीड़ा हो रही और जा रहा है, ये सब मत करना।